आ गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के हॉर्टिकल्चर विभाग ने लोधी गार्डन में पेड़ों की जानकारी के लिए QR कोड लगाया है। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर से। सर, क्या है ये QR कोड? QR कोड है, ये एक कोड फॉर्मेशन है। इससे आप स्कैन करते तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो, हमारा जो मार्केट में जाते हैं, कई प्रोडक्ट के QR या बार कोडिंग बना रखे हैं, तो उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सो, इसी प्रकार हम भी सोचा था, जो ट्रीज के बार बार लोग आते हैं, जाते हैं, पब्लिक है, उनका ट्रीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, सो इसलिए वो, लेकिन पब्लिक बहुत क्यूरियोसिटी है, उनका पेड़ की जानकारी करने पे उनका बहुत इंटरेस्ट है। सो, इसलिए हम यही सोचा, इसी प्रकार हम क्यों ट्रीज के भी QR कोड नहीं लग सकते हैं। सो, इसी मुद्दा में हमारा टीम काम किया है। सो, पूरा डॉक्यूमेंट क्या है, उसके पेड़ के क्या टाइप है, एवरग्रीन ट्री है या फ्लावरिंग ट्री है, इसके हाइट कितना है, इसके जाति क्या है, जो मतलब बोटानिकल नाम एंड यू नो इसके कॉमन नेम है, इसी प्रकार उसके कैरेक्टर क्या है, जो रोबस्ट ग्रोथ है या स्लो ग्रोथ है, एंड एवरग्रीन ट्री या फ्लावरिंग ट्री, फिर उसके अलावा फिर जियो नो टैगिंग भी हम कर दिया, उसमें लैंगिट्यूड है, लैटिट्यूड, सो दैट हम है ना वो GIS मैप, गूगल मैप पर भी हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए जो भी आपका अगर स्कैन करते हैं, उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ट्रीज के बारे में। अदरवाइज क्या होता है, किसी पेड़ पे देखे फिर जाकर लाइब्रेरी में घूम कर ढूंढना पड़ता है या मोबाइल में ढूंढना पड़ता है। सो, हम इसलिए है वो अवॉइड करके यहाँ पर इंस्टेंटली उनके इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए हम कोशिश से प्रयास है। सो, अभी 7,500 पेड़ है हमारे लोधी गार्डन में। अभी तो हम 100 पेड़ के लिए पायलट मोड में कर रहे हैं। इसके बाद हम और बिकॉज हमारे पास लोधी गार्डन में मोर देन 500 वेराइटीज, न्यू वेराइटीज आर देयर, उसके भी हम है ना QR कोड बना देंगे, ताकि जो भी आ रहे हैं उनको नॉलेज इंस्टेंटली मिल सके। लोधी गार्डन के अलावा NDMC के पास और भी पार्क है, क्या उन पार्कों में भी ऐसी योजना है कि वहाँ भी QR कोड लगाया जाए? देखो, हमारा 4% NDMC इज ऑलवेज ट्राइंग टू गिव मोर एंड मोर एंड न्यू थिंग्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी है। सो, उनका आदेश से हम ये करते आ रहे हैं। अभी लोधी गार्डन में और हमारा नेहरू पार्क भी है, तलकटोरा गार्डन में भी है, और चिल्ड्रन पार्क इंडिया गेट में भी है, और इसके अलावा हमारे पास 135 रोड है, उसमें भी है, हमें मोर देन 2,00,000 पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ भी है। सो, इसी एरिया में हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारा जो काउंसिल के प्रयास ऑलवेज है। क्या जैसे आपने कहा कि जो सड़क पर भी पेड़ है आपके, उन पेड़ों पर भी QR कोड लगाने की प्लानिंग है? इन कोर्स ऑफ टाइम है, इट्स एक एक रोड में भी है, बिकॉज एक एक रोड पे एक एक ट्री स्पीसीज है। सो, फिर भी वहाँ लोग ये क्या पेड़ है वो नॉलेज नहीं है। अकबर रोड में चलो इमली का पेड़ है, तिलक रोड में चलो इमली का पेड़ है, और कई रोड में चलो जामुन ट्री है, पीपल ट्री है, और अर्जुन ट्री है। सो, लेकिन जो फ्लोटिंग पीपल दिल्ली के आते हैं NDMC एरिया में, रोजाना 15,00,000 लोग आते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते 15,00,000 लोग ये पेड़ के नाम पता है। सो, इसलिए हम अगर रोड पे हर जगह में एवरी 100 मीटर या 200 मीटर में भी अगर लिप्रिक करते हैं, लोग आराम से उनका इन्फॉर्मेशन स्कैन करके जानकारी कर सकते हैं। क्या QR कोड के जरिए मुझे पेड़ों की एज भी पता चल पाएगी? अभी एज तो उसमें नहीं बता सकते हैं, बिकॉज अभी वो एज पता करने के लिए, एक्सेस करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए इट इज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इवन इफ अ टेक्नोलॉजी दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव मेथड है। सो, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। इट इज ओनली बेस्ड ऑन द गेस अप्रोक्सीमेट कॉरिलेट कर सकते हैं, यस अप्रोक्सीमेट एज मे बी दिस मच, ऐसे हम कह सकते हैं।
पेड़ों की जानकारी के लिए आपको किताबों में नहीं ढूंढना पड़ेगा, पेड़ों पर लगे QR कोड के जरिए आप आसानी से उसकी जानकारी पा सकेंगे। ETV भारत के लिए गणेश पाठक की रिपोर्ट।